खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस के इंडस्ट्रियल एरिया में अरुणा एंटरप्राइजेज नाम की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग का विकराल रूप देख जिला प्रशासन ने हाथरस के साथ साथ अलीगढ़ एवं मथुरा से भी दमकल की गाड़ियां बुलवाई। दमकल की 8 गाड़ियों ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों का नहीं पता चल पाया है। आज इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लगी थी, उसमें आग के कारणों का क्या पता चल पाया और कितनी गाड़ियां दमकल की यहां पे लगी और कितना समय लगा? ये लगभग हमें सूचना 10:30 बजे मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी है। हमने तत्काल में लगे अपने फायर स्टेशन की 2 गाड़ियां, शासनिक की गाड़ी, उनको मैंने तत्काल मौके पर आने के लिए कहा। जब मैं भी मौके पर पहुंचा, मौके पर देखा तो बड़ी विकराल रूप से आग जल रही थी। तो ये नमकीन की फैक्ट्री है पिंकी चप्पल वालों के, अभी मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ मालिक का, लेकिन वो पिंकी चप्पल वालों के उनकी फैक्ट्री ही बताई गई मुझे, अरुणा एंटरप्राइजेस, इसमें आग थी। तो ये नमकीन बनाने की फैक्ट्री थी, इसमें आग थी। तो इसके जब विकरालता को देखते हुए पड़ोसी जनपदों से भी गाड़ियाँ मंगाई गई, अलीगढ़ से 2 गाड़ियाँ आईं, आगरा से 1 गाड़ी आई, एटा की भी गाड़ी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर गाड़ी जब हमने नियंत्रण कर लिया था आग को तो हमने एटा वाली गाड़ी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, तो हमने उसको बीच रास्ते से वापस कर दिया। समय समय पे समीक्षा होती रहती है दमकल विभाग के द्वारा ऐसी फैक्ट्रियों में और मार्क ड्रिल भी होती रहती है, बावजूद इसके आग लगी है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ अभी सुधार की जरूरत है यहाँ पे कोई नहीं? देखिए, सुधार की तो हमेशा सदैव आवश्यकता रहती है। सुधार तो एक ऐसी चीज़ है कि परफेक्शन तो कभी हो ही नहीं पाता। अब ये क्या चीज़ है, इसमें मतलब क्या लैप्सेस थी, किस वजह से ये दिक्कत हुई है, अब ये जब आग पूरी तरीके से बुझा दी गई है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो इस पर निरीक्षण करके फिर जांच की जाएगी, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई? हाँ, जनहानि किसी प्रकार की नहीं, कोई चोटिल नहीं, कोई घायल नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं लगी, सब सुरक्षित है। ये जो पूरा आपका ये जो समय चला जो पूरा ड्रिल का, इसमें कितना समय लगा पूरा जो एक समय? वो लगभग हमने बताया ना आपको कि 10:30 बजे हम आ गए, 10:30 बजे हमें सूचना मिली थी, जो भी 10-15 मिनट में हम यहाँ आ गए, तो तब से निरंतर मतलब अग्निशमन कार्य चल रहा है, तो तब से निरंतर चल रहा है और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। अब आग बुझ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी देर अभी हम लोग और यहाँ पर रुके के उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि और कहीं कोई चीज़ बिल्कुल अंदेशा ना रह जाए, आग लगने का फैलने का कोई डर नहीं है। कारण क्या रहा सर आग लगने? कारण अभी नहीं बताया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी ये जाँचों उपरांत ही बताया जा सकेगा कि इसका रूट कॉज क्या था। रूट कॉज हो सकता है कि मतलब कि मैकेनिकल इशू हो, टेक्निकल कोई इशू हो या शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन अभी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता। बाबूजी क्या नाम है आपका? अभय कुमार है। आपकी ये किस चीज़ की फैक्ट्री थी? चिप्स। अच्छा, यहाँ पर जो आग लगी, लगभग क्या नुकसान हुआ है, क्या सामान अंदर था जो जलकर राख हुआ? अभी इस मामले में आकलन कुछ भी नहीं हो सकता, अभी फैक्ट्री में अंदर भी नहीं गए हैं, आग सुलग रही है अभी भी, जैसा भी थोड़ा शांति हो, मन शांत हो, आग शांत हो, तब जाके बहुत मालूम पड़े क्या हुआ। आग में किसी जनहानि की तो अभी सूचना? जनहानि कोई जनहानि हुई नहीं कुछ अभी। आग के कारणों का कुछ पता? वो नहीं मालूम पड़ा क्या हुआ कैसे हुआ। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।